अब आ जाता है दूसरा हमारा जो नया टॉपिक है, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हमको जो भी आप जितने भी मटेरियल्स होते हैं या जो मैटर्स होते हैं वो उनमें सारे मैटर्स में एक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में। और उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल को हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बहुत सारे मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि होती क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और हमको इनकी क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड दोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब्स इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक बताता है कि क्या है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने किसी मटेरियल पे लोड लगाया, वो मटेरियल मान लीजिए अगर हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं, लेंथ वाइज खींचने की कोशिश करते हैं, तो हर मटेरियल की जो इलास्टिसिटी या खींचने की जो क्षमता है वो कम या ज्यादा होती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बताएगा कि हमको उसको कितने लेवल तक यूज कर सकते हैं खींचने के लिए। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस मटेरियल को हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। नंबर टू, द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल इज वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए मैकेनिकली साउंड स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं एक बार कि जब हम ब्रिज, जैसे मान लीजिए रेलवे ब्रिज बनाते हैं, तो ये जो ट्रस से बनता है सारा ब्रिज, अब इस ब्रिज में क्या क्या होता है आप देखिए, इस तरह के ये हो गए, आपने देखे होंगे कि रेलवे का ब्रिज जो होता है, ये जो रेलवे ब्रिज होता है इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें स्टील के स्टील स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टील बोल सकते हैं या स्टील स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज है इसमें जॉइंटिंग जॉइंटिंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स आपको पता होंगे रिवेट्स, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें होती हैं इनकी अलग अलग रोल है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो जो आपका स्टील स्ट्रक्चर होगा या जो भी आपका मेटल का पार्ट होगा वो उसकी कैपेबिलिटीज अलग होंगी, जो यहाँ पे रिवेट यूज करते हैं हम उसकी कैपेबिलिटीज अलग होंगी, ठीक है। तो कई तरह से प्रॉपर्टी डिसाइड होंगी कि हमको किस एप्लीकेशन में किस तरह के मटेरियल का यूज करना है। तो इसकी इसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब कोई चीज एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कोई चीज हम डिजाइन करते हैं तो हमको इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए या ये ध्यान रखते हुए डिजाइन करना पड़ता है कि किस तरह के लोड्स उसमें उस स्ट्रक्चर पे या मैकेनिकल पार्ट्स पे लगने वाले हैं, तो हमको ऐसे मटेरियल्स का यूज करना है, ठीक है। आगे आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी आगे के सेमेस्टर्स में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑन द मटेरियल स्पेसिमेन। तो आपको ये पता होगा कि अभी आप जब सोम की लैब करोगे तो आपको समझ में जाएगा कि किस तरह से मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए एक पीस ऑफ मटेरियल है या मान लीजिए कोई मेटल है, हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं, इस तरह से किस तरह का लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। इस टेंसाइल लोड को हम लगा करके ये चीज देखते हैं कि किस पॉइंट पे जाकर के ब्रेक होता है। जैसे मान लीजिए आप एक आयरन का पीस लेते हैं और एक स्टील का पीस लेते हैं, दोनों में जब टेंसाइल लोड लगाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। अब उस मटेरियल के टूटने की कई बार टेंडेंसी भी अलग होती है, कई बार लोड की कैपेसिटी भी अलग होती है। तो यही चीज को हम एक्सपेरिमेंटली डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकाल के पहले से रख लेते हैं। हमारे पास एक चार्ट होता है, ये डेटा बुक जिसको कहा जाता है, उस डेटा बुक में हम क्या करते हैं, उस डेटा बुक में वो सारी चीजों को स्टोर करके रख लेते हैं, लिख के रख लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो वो चीज हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल नहीं है जब हम चीज डिजाइन कर रहे हैं तो एक एक मटेरियल का हमको टेस्ट करके वैल्यू निकालना। तो हम क्या करते हैं, डेटा बुक जो होती है उसमें सारी चीजें स्टोर रहती हैं और लिखी हुई रहती हैं, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल अंडर द अप्लाइड फोर्स और लोड। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्स पे डिपेंड करता है, ये फोर्स पे ये बताता है जो बिहेवियर होता है वो फोर्स के अपोजिट बताता है कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। द रेस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल टू द अप्लाइड फोर्स विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जैसे अभी हमने बॉन्डिंग पढ़ी कि बॉन्डिंग किस तरह से अलग अलग तरह से बॉन्डेड जुड़े होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड अभी नहीं किया है उसमें हमने, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग तरह के बॉन्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से
ब्रेक होते हैं और अलग फोर्सेस पे वो ब्रेक होते हैं। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो रहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। दूसरी बात स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स में अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरह से स्ट्रक्चर अरेंज होंगे तो वो जो रहेगा मटेरियल होगा रिजिड होगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होगा। एंड द टाइप ऑफ नंबर ऑफ इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन में आपको बता चुका हूँ कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं जैसे अमॉर्फस मटेरियल होते हैं उसमें ज्यादा इम्परफेक्शन आ जाते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो इक्वली अरेंज नहीं होते सरफेस स्ट्रक्चर पे, तो अलग अलग तरह से स्पेस अवेलेबल होंगे बीच में, तो ये इम्प्योरिटीज या इम्परफेक्शन भी कहलाता है। या फिर एटम जो होते हैं अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह चले जाते हैं, इनको कहा जाता है इम्परफेक्शन, विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सॉलिड एक्सेप्ट इन रियर सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं सॉलिड में थोड़ा बहुत होता ही होता है, कितना ही हम परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लें, परफेक्ट कास्टिंग कर लें या परफेक्ट सॉलिडिफिकेशन कर लें, लेकिन इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, रेयर सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो बिल्कुल एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट हम प्रोसेस करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि एग्जैक्ट प्रैक्टिकली हम इसको कर पाए, तो कहीं ना कहीं एरर उसमें आ ही जाती है या इम्परफेक्शन आ जाते हैं। फॉर दिस रीजन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सेंसिटिव टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन विच में रिजल्ट इन हाईली वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स इवन इन द मटेरियल ऑफ सम सेम केमिकल कंपोजिशन। तो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रॉपर्टीज अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेवरेबल होंगी तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, और फेवरेबल नहीं होंगी हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, या फिर कह सकते हैं उस लेवल से वो काम नहीं करेगा जिस लेवल पे उसको होना चाहिए। अब आ जाते हैं कितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। बेसिकली जो आपने देखी होंगी कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में या बीएमई में आपने पढ़ी होंगी, इसमें कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि जैसे कि इलास्टिसिटी, आपने जनरली हम भी बहुत यूज करते हैं इलास्टिसिटी वर्ड, ठीक है। दूसरा प्लास्टिसिटी, ये भी हमें आपको बताऊंगा, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, टफनेस, रेजिलेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जो है ये थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ के अंदर आ जाते हैं कि स्ट्रेंथ जो होती है कितने तरह की होती है, अब वो डिपेंड करेगा कि लोड हम लगाएंगे किस तरह का लोड लगाएंगे उस पर वो कैसे कैसे बिहेव करेगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। डक्टिलिटी फॉर द कन्वर्जन ऑफ वायर, अगर हमें किसी मेटल को या किसी ऐसे सब्सटेंस को या वायर मेटल को हमको वायर में कन्वर्ट करना है तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी काम आती है। मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है शीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्प होती है। तो वायर बनाना है अगर हमें तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, ठीक है। और अगर शीट में कन्वर्ट करना है इस तरह से हमको शीट बनानी है तो उसको उसके लिए क्या होना चाहिए, मटेरियल मेलिएबल होना चाहिए। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मतलब और जैसे ही आप किसी चीज को हैमर करते हो या किसी कोई चीज गिर जाती है वो जल्दी से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जैसे कि ग्लास, ग्लास जो होता है एक प्रकार से ब्रिटल मटेरियल होता है, उसमें जैसे हम लोड लगाते हैं या फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं या इंपैक्ट लोड लगाते हैं तो वो जल्दी से टूट जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस आपको सब लोगों ने जनरल टर्म में हमें सुनी हुई है कि हार्डनेस क्या होती है, एक प्रकार से मजबूती, लेकिन हार्डनेस और टफनेस जो है थोड़ी सी डिफरेंस होती है ना। तो हार्डनेस जो होता है स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, स्क्रैच मतलब स्क्रैच रेजिस्टेंस, जैसे कि हम किसी मटेरियल के ऊपर अपने नेल्स से या नाखून से आप उसके ऊपर स्क्रैच करते हो तो कितनी जल्दी उसमें स्क्रैच डेवलप होते हैं वो उसकी हार्डनेस बताती है कि कितना मटेरियल हार्ड है, ठीक है। उसके बाद फटीग आ जाता है, अगर मान लीजिए मल्टीपल टाइम्स लोडिंग लगती है, बार बार साइक्लिक लोडिंग लगती है, साइक्लिक लोडिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके किसी मटेरियल पे लोड लगता है मैक्सिमम जाता है फिर वो जीरो हो जाता है फिर मैक्सिमम जाता है फिर जीरो हो जाता है, इस तरह से मान लीजिए साइकिल के फॉर्म में चल रहा है, तो इस तरह से जब कोई फेलिंग होगी या इस तरह के मटेरियल में जो फेलिंग आएगी उसको कहा फटीग फेलियर कहा जाता है या फटीग प्रॉपर्टी को कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बेयरिंग की बात करते हैं तो जैसे आपके बाइक में या फैन में बेयरिंग्स लगी होती है, बेयरिंग्स आपने सुना होगा इस तरह की बेयरिंग होती है, बोलते हैं पंखे की बेयरिंग खराब हो गई इसके अंदर बॉल्स लगी होती है आपने देखे भी होंगे, तो ये जो बेयरिंग होती है ये क्या होती है नंबर ऑफ रोटेशन के बाद फेल हो जाती है, नंबर ऑफ रोटेशन के बाद फेल होती है, ठीक है। तो यही है नंबर ऑफ रोटेशन यानी कि फटीग। उसके बाद आता है क्रीप, अगर किसी मटेरियल में हम लॉन्ग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या करते हैं लोड लगा करके रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घरों की बात करें जैसे कंक्रीट के घर होते हैं, जैसे नया घर होता है उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद अगर मान लीजिए 10 साल 20 साल 25 30 साल बाद उसके स्ट्रक्चर जो है या कॉलम है या छत है उसमें क्रैक होने लगता है, क्यों, क्योंकि
कंटिन्यूअसली इसमें बहुत लॉन्ग समय तक बहुत ज्यादा लोड लगता है, दीवार में क्रैक ऑटोमेटिकली क्रैक आ जाते हैं। तो इस तरह का अगर क्रैक हमारे मटेरियल में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए कॉन्स्टेंट लोड लगाना, कॉन्स्टेंट ध्यान रखिए, कॉन्स्टेंट लोड लगाया जाएगा, तो इसको कहा जाता है क्रीप। ठीक है, अब आता है लास्ट हमारा वियर रेजिस्टेंस। वियर आपको पता है, वियर यानी घिस जाना, यानी कि रगड़ से एक मटेरियल अगर दूसरे मटेरियल के ऊपर मूव करता है तो ये क्या होगा, इसमें वियर होता है, यानी कि घिस जाना या मटेरियल का रिमूव होना, मटेरियल रिमूवल। अगर मटेरियल रिमूव हो रहा है तो ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे मटेरियल का यूज करना पड़ता है जिसमें वियर रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जैसे हम बात करें गियर्स की बात करते हैं, तो गियर्स में क्या होता है, वियर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक गियर जो होता है ना, इस तरह से उसमें टीथ होते हैं, ठीक है, और दूसरा गियर इसी के ऊपर दूसरा गियर हम लगाते हैं, तो ये जो गियर आपस में जब टकराते हैं तो इसमें वियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसे मटेरियल का यूज करना है, ऐसी प्रॉपर्टीज का या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करना है कि वियर जो है इसमें कम से कम हो, क्योंकि वियर होगा तो गियर जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक्स 14 प्रॉपर्टीज है जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है आज। इस बार नहीं पढ़ना, आपको बहुत आगे तक इसको पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, और आपको हर सेमेस्टर में का कहीं ना कहीं रोल आएगा। अब समझते हैं कि होता क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं उसके बीच में, क्या टर्म्स उसके अंदर आ जाती हैं। मान लीजिए हम किसी मटेरियल पर स्पेसिमेन पर लोड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने ये लोहे का या आयरन बार लिया या कोई भी बार लिया, अब इस पर हम लोड लगाते हैं, इस तरह से खींचते हैं इसको, तब क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, दो एक एक्सिस बनी हुई है, बनी है आपकी स्ट्रेस की, ये बनी हुई स्ट्रेस, और दूसरी बनी हुई स्ट्रेन, ये बनी हुई स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन शायद बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। स्ट्रेस मतलब होता है इंटरनल फोर्स, और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस होती है इंटरनल फोर्स, ये जो होता है इंटरनल फोर्स होता है अप्लाइड बाय मटेरियल। जो मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं और वो मटेरियल डिफॉर्म होने से रोकता है अपने आप को या ब्रेक होने से रोकता है, उसी को कहा जाता है स्ट्रेस। ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि चेंज इन डायमेंशन, कितना डायमेंशन उसका चेंज हो जाता है, या लेंथ चेंज होती है, डायमेंशन चेंज होता है, या वॉल्यूम चेंज होता है, थिकनेस चेंज होती है, जो भी चेंज होता है वो स्ट्रेन कहलाता है उसका। अब आ जाता है आपका, देखिए ये देखिए ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये इस कंडीशन में जीरो पॉइंट पे अभी आपका मटेरियल है, हम क्या करते हैं जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे, अब क्या होगा 0.021। अगर इस तरह से इस ग्राफ को आप देखेंगे, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है 0 to A क्या बताता है, प्रोपोर्शनल लिमिट बताता है। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रहेगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रहेंगी आपस में बिल्कुल भी बराबर बराबर चलेंगे, जितनी स्ट्रेस लगाते जाएंगे उतनी उतनी स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी। तो ये जो लाइन रहती है स्ट्रेट लाइन होती है, कैसी लाइन रहती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, कहीं पे भी इसमें कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज अ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद, अब ए टू बी क्या है, इलास्टिक लिमिट, ए टू बी जो है इलास्टिक लिमिट, लेकिन ए जीरो से ए तक भी इलास्टिक लिमिट। अगर किसी मटेरियल को हम खींच करके फोर्स लगाएंगे तो जीरो से ए तक जाएगा, उसके बाद हम उस मटेरियल को ए के बाद पहुंचने के बाद मटेरियल पे लोड छोड़ देंगे तो वो वापस अपने जीरो पॉइंट पर आ जाता है या इलास्टिकली जीरो आ जाता है। अब ए टू बी जो होता है ये भी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आ जाता है, लेकिन जो ए टू बी होता है थोड़ा सा इसमें इस तरह का कर्व होता है, ये जो होता है ए टू बी पॉइंट हल्का सा इसमें थोड़ा सा कर्व होता है, ये प्रोपोर्शनल लाइन जो होती है स्ट्रेट रहती है, और ये जो ए टू बी रहता है वो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा इसमें कर्व होता है इस तरह का, देखिएगा आप हल्का समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा एक कर्व है। अब आ जाता है अपना पॉइंट सी, अब बी के बाद पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा वो, बी से सी जाएगा, तो पॉइंट सी में क्या होता है, इसको कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड यानी होता है, यील्ड का मतलब होता है खींच जाना। जैसे आपने किसी मटेरियल को खींचा होगा, तो किसी मटेरियल को आप रबर को आप खींच करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यार रबर को हम खींच के छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं रबर को बहुत ज्यादा खींच देते हैं और उसके बाद वो खींच करके वापस अपनी जगह पे नहीं जाती या अपनी रियल पोजिशन पे, ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं जाती, वो कहलाता है यील्ड पॉइंट। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो वापस जगह पे जा नहीं सकती, वहीं के वहीं उतनी ही खींची रह जाती है। तो ये दो पॉइंट हो जाते हैं, अपर यील्ड पॉइंट जो सी पॉइंट है ये बताता है अपर यील्ड पॉइंट, और डी बताता है लोअर एंड पॉइंट।
दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आपका स्ट्रेस है लोअर यील्ड पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सी पॉइंट, सी पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगी और डी पॉइंट पे स्ट्रेस कम लगेगी, लेकिन दोनों को हम यील्ड पॉइंट ही कहते हैं, ठीक है। पॉइंट डी जो हो जाता है वो कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट और पॉइंट सी कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट। अब आ जाता है ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा है, इतनी लाइन इलास्टिक लिमिट है, यहाँ देखिए लिखा हुआ इलास्टिक, इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी तक मटेरियल इलास्टिक रहेगा, बी के बाद अगर हमने उसको खींचा तो वो वापस अपनी जगह पे ओरिजिनल शेप पे या साइज पे नहीं जाएगा, बी के बाद बियॉन्ड आप खींचते हो तो वो साइज पे नहीं आएगा, लेकिन बी के अगर आप अंदर तक हम खींचते हैं मतलब स्ट्रेन की वैल्यू इतनी होगी तो आपका वो मटेरियल वापस रीगेन करेगा शेप को, लेकिन अगर बी को क्रॉस कर जाता है तो वो शेप को रीगेन नहीं करने वाला, ठीक है। अब आ जाता है पॉइंट ई, पॉइंट ई कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, इसको कहते हैं हम ई पॉइंट को मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेस कह सकते हो, कि इस पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट के लिए हम मटेरियल को डिजाइन करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद ये जो है मटेरियल फेल हो जाएगा। देखिए आप देखिए इसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोड बढ़ाना चालू करते हो तो ये पॉइंट पर ये ई टू एफ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, स्ट्रेस कम होना इसका मतलब कि आपके मटेरियल के अंदर जो है क्षमता कम हो जाती है अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए। तो जैसे ही ई टू एफ जा रही है मटेरियल, जब भी ई टू एफ जाता है, देखिए यहाँ से ई टू एफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये इसकी जो कैपेसिटी है या इसके अंदर की क्षमता है वो कम हो जाती है, और एफ पॉइंट पर जाकर के क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का दो पीस है, तो ये क्या होगा, इस तरह से ऐसे करके इस तरह से ये दो पीस में टूट जाएगा, ये जो पॉइंट है ये ब्रेकिंग पॉइंट है या फ्रैक्चर पॉइंट, इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, ये जो मटेरियल है ये हमारा इलास्टिक मटेरियल था, इसीलिए क्या हो गया आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिली, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल इलास्टिक था। अब मटेरियल अगर ब्रिटल होगा, ब्रिटल का मतलब बिल्कुल हार्ड होने वाला, अगर आप लोड लगाओगे तो उसमें कुछ जो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये वाले पैरामीटर्स इसके अंदर नहीं आएंगे, ये डायरेक्टली जा करके खींचेगा और एक समय तक लोड लगेगा, उसके बाद वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ग्लास की बात करें, ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर नहीं आएंगे, ये वाले सारे फैक्टर इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर ब्रिटल मटेरियल के अंदर चले जाएंगे। ये जो है मटेरियल हमारे लिए इलास्टिक मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल आप कह सकते हो, कि इसमें ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में जाएगा ब्रिटल और यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये दिख रहा है आपको ब्रिटल का ग्राफ दिख रहा है, ब्रिटल मटेरियल का, और ये वाला है डक्टाइल मटेरियल का। तो देखिए ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, जो एफ पॉइंट आता है यहाँ पे जाकर के, डक्टाइल मटेरियल में एफ पॉइंट आता है इस पे जाकर के ब्रेक होता है, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होता है यहीं पे जाकर के इस पॉइंट पे जाकर के ब्रेक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोड जो है वो उसमें इलास्टिक लिमिट होती ही नहीं है, जैसे हम लोड लगाते हैं जब तक वो बियर कर सकता है बियर करता है, और उसके बाद वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है, इस पॉइंट पे जाकर के वो डायरेक्टली दो टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, आपका जीरो से ए पॉइंट आएगा, फिर बी पॉइंट आएगा, फिर सी पॉइंट आएगा अपर यील्ड पॉइंट, फिर डी पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद फिर से वो इस तरह से शेप पे जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग बनता है और डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग बनता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में जाएगा, जो ब्रिटल मटेरियल ये जो दिख रहा है आपको स्पेसिमेन है, इसको स्पेसिमेन बोलते हैं, स्पेसिमेन मतलब जिसपे हम क्या करते हैं स्पेसिमेन पीस, जिसपे हम टेस्ट करते हैं। अभी आप सोम का जो सोम के जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्पेसिमेन क्या होता है और किस तरह से इसको टेस्टिंग की जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है UTM, इसको कहते हैं UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसको कहा जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, सारे तरह के टेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें टेंसाइल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी तरह की टेस्टिंग हम उसमें कर सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको ब्रिटल मटेरियल, ये कैसा है, ब्रिटल है। ब्रिटल मटेरियल कैसा होगा, जब टूटेगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से टूटेगा। देखिए आप दिख रहा होगा आपको दोनों के सरफेस लगभग स्ट्रेट है, क्योंकि अचानक से टूट जाता, खिंचता नहीं है। लेकिन जो आपका डक्टाइल मटेरियल होगा या प्लास्टिक मटेरियल होगा, ये देखिए आप देख रहे हैं, प्लास्टिक मटेरियल बोल सकते हो, डक्टाइल मटेरियल बोल सकते हो आप। तो ये जो मटेरियल होगा, पहले क्या होगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये वाला इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये जो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि हमारा जो यहाँ से लेकर के पॉइंट ए टू
ई जो जाता है इसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हर बार वो खींचता है लेंथ उसकी बढ़ती है और धीरे धीरे करके फोर्स कम होता जाता है। जैसे अगर आप किसी पॉलिथिन को खींच करके कभी आप देखिए, पॉलिथिन आप हाथ में लीजिए, दोनों हाथ से उसको खींचिए, पुल करिए, एक तरफ लेफ्ट तरफ पुल करिए, दूसरी तरफ राइट तरफ पुल करिए, तब क्या होगा आपको समझ में आएगा कि पन्नी जो है धीरे धीरे खींच रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है वो उसमें जो है पन्नी जो है खींचती ज्यादा है और जो हमारा लोड है वो कम हो जाता है और उसके बाद वो टूट जाती है। तो यही कंडीशन हमारे इसमें होती है, आप प्रैक्टिकली घर पे करके देख सकते हो। पॉलिथिन के पीस को लेना, ठीक है, इस पॉलिथिन के पीस को इस तरह से लेना और दोनों हाथ से एक तरफ इधर कुछ खींचिए और दूसरी तरफ इधर खींचिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेम टू सेम यही प्रोसीजर आपकी प्लास्टिक मटेरियल में या डक्टाइल मटेरियल में इस तरह से आती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। अब आ जाते हैं अपन मेन क्या क्या होता है इलास्टिसिटी। अब जैसे आपको बेसिकली समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी क्या है, आपका मटेरियल को हम जब लोड लगाते हैं, लोड अप्लाई करने के बाद वो ऑटोमेटिकली शेप उसका चेंज हो जाता है और उस शेप चेंज की वजह से जब तक हम लोड लगाएंगे, जब तक अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, कहाँ तक है आपका बी पॉइंट तक, बी पॉइंट जो है आपका इलास्टिक लिमिट है, जो आपका बी पॉइंट था वो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, उसके बाद अगर आप लोड लगाओगे तो इलास्टिसिटी जो है आपकी काम नहीं करती। इलास्टिसिटी कहाँ काम, कब तक काम करती है, पॉइंट बी तक काम करती है। बी तक आप लोड लगाओगे तो वो शेप उसका चेंज होगा और आप बी से बाद उसको रिलीज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप अपनी जगह पर वापस आ जाता है। उसके बाद आ जाता है लोडिंग, लोडिंग लोडिंग अ सॉलिड विल चेंज इट्स डायमेंशन बट द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन विल डिसअपियर अपॉन अनलोडिंग। जैसे आप लोड लगाओगे तो आएगा डिफॉर्मेशन और फिर उसके बाद जैसे रबर बैंड में होता है, ठीक है, दिस टेंडेंसी ऑफ द डिफॉर्मेशन डिफॉर्म सॉलिड to seek its original dimension upon unloading is described to the property called elasticity. Elasticity इसको कहा जाता है, the recovery from the distorting effect of the load may be instantaneous or gradual or complete or partial. तो deformation की बात करते हैं, कुछ material ऐसे होते हैं जैसे कि आपका rubber band जो होता है, जैसे आप देखिए rubber band जो होता है, rubber band कैसा रहता है वो उसका जो क्या कहना चाहिए इंस्टेंटेनियस जो भी उसमें प्रोसेस होती है वो कैसी इंस्टेंटेनियस होती है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जल्दी से खिंचता है और जल्दी से वो वापस आ जाता है, लेकिन कुछ में क्या होता है आपका ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल यानी जैसे मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल में जो होगा, मेटल्स की बात करें इसमें ग्रेजुअल होगा, खिंचेगा और ग्रेजुअली अपनी जगह वापस आएगा। अच्छा, दूसरी चीज होती है कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट का मतलब होता है कि वो वापस अपनी शेप में पूरी तरह से वापस आ जाता है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लेंथ थी, 1 सेंटीमीटर वापस 1 सेंटीमीटर का वो हो गया। लेकिन पार्शियल में क्या होगा, मान लीजिए अगर आपने 1 सेंटीमीटर का पीस है और उसको आपने खींचा तो वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर वापस ना आकर के 1.2 सेंटीमीटर ही रह जाए उसके बाद। तो ये इसको कहा जाता है पार्शियली और इसको कहा जाता है कंप्लीटली। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए आपके। अ सॉलिड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। अब इसको परफेक्टली इलास्टिक किसको कहेंगे, अ सॉलिड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक इफ इट रिकवर इंस्टेंटेनियसली ऑन कंप्लीट। इंस्टेंटेनियसली मालूम, मान लीजिए बिल्कुल तुरंत, और कंप्लीटली यानी बिल्कुल जितना ओरिजिनल शेप था उसी शेप में वापस आ जाता है। इट इज कॉल्ड, इट इज सेड टू एग्जिबिट ए डिले, डिलेड इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी इफेक्ट रेस्पेक्टिवली इफ द रिकवरी इज ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट। ग्रेजुअल रहेगा या फिर धीरे धीरे होगा या इनकम्प्लीट रहेगा तो उसको उसको क्या कहा जाएगा, इन इलास्टिक मटेरियल कहा जाएगा या इन इलास्टिक इफेक्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्यूरेट मेजरमेंट रिवील्स सम delayed elasticity and the elasticity effects is in all solids. Give a precise definition of elasticity and setting forth the rudiment of the theory. कुछ थ्योरी बताई गई है उसकी वजह से, उसी थ्योरी से हमको समझ में आता है कि इलास्टिसिटी क्या होती है।